2021 को जाने में सिर्फ कुछ दिन ही शेष बचे हैं, या यूं कहूं तो कुछ घंटे ही शेष है। और इस ईयर में हमने वर्ल्ड के तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होने का गौरव हासिल किया है। और ये गौरव हासिल इस वजह से हुआ है क्योंकि भारत जो है तीसरे नंबर पर है स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाने के मामले में, यानी $1 बिलियन के वैल्यूएशन वाली कंपनी भारत के अंदर 33 कंपनियां 2021 के अंदर बिलियनायर बनी, यानी $1 बिलियन की कंपनी बनी। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी स्टार्टअप्स ऐसे भी थी जो बहुत बड़ी स्टार्टअप थी, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ चल रहे थे और वो स्टार्टअप 2021 के अंदर फेल भी हो गए। तो आज हम बात करेंगे उन 5 बेहतरीन स्टार्टअप्स के बारे में जो 2021 के अंदर फेल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, जिसको फेल होना था वो हो गया। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये चैनल स्टार्टअप अथॉरिटी स्टार्टअप्स के लिए है, यानी स्टार्टअप्स को कैसे ग्रो करने हैं, कैसे बनाने हैं, किस तरह से आइडियाज को लेनी है। लेकिन आज के इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा कि स्टार्टअप्स को ग्रो होने के लिए, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया जरूरी होती है और कौन सी चीजें, कौन सी गलती किसी ने करा या किस पर प्रकृति का मार पड़ा जिसके वजह से उसे अपने खुद की कंपनी को डिसॉल्व करना पड़ा या किसी और के हाथों में बेच देना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस चैनल पे हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के फेल्योर के बारे में और 5 ऐसे बेहतरीन स्टार्टअप के बारे में जिन्होंने 2021 के अंदर दम तोड़ दिए। तो इसमें से सबसे पहला स्टार्टअप है दोस्तों, ये है सटल। अब आपने सटल का नाम जरूर सुना होगा अगर आप कारपोरेट जगत में काम करते होंगे। आपने देखा होगा कि जब भी लोग ऑफिस जाते थे तो ऑफिस जाने के लिए थकान में ज्यादा महसूस करते थे और जाते जाते इतने थक जाते थे कि ऑफिस में जाके उनसे काम ही नहीं हो पाते थे। तो वो एक इजी संसाधन ढूंढ रहे थे जिसके वजह से वो ट्रैफिक को कम कर सके, ट्रेवल को अच्छा कर सके। और इसी कंसेप्ट के साथ सटल ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। और सटल एक ऐसी कंपनी थी जिसमें आपको 3 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से राइडिंग मिल जाती थी। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस पर जो बुकिंग होती थी वो 100% कन्फर्म होती थी और आप एसी बस के अंदर सफर करके अपने ऑफिस से आ जा सकते थे। इतना बेहतरीन कंसेप्ट के साथ शुरू होने वाला स्टार्टअप भी 2021 के अंदर दम तोड़ दिया। बात कर लेते हैं फंडिंग की, तो इस कंपनी को $122 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई थी, यानी कि 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को मिला था। और ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और कारण ये था दोस्तों कि इस कंपनी का कंसेप्ट बड़ा अच्छा था, बहुत बेहतरीन चीजों को, यानी कि कारपोरेट जगत के लोगों को काफी कुछ दे रहा था। और सबसे बड़ी चीज है कि बड़े आराम से लोग ट्रेवल कर पा रहे थे। और इसके बावजूद भी इसके रिवेन्यू मॉडल इतनी कंफर्म था, इतना क्लियर कट था दोस्तों कि इसके वजह से ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। और इस कंपनी ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे और चेन्नई, हैदराबाद जैसे सिटीज में, यानी कि टियर वन सिटीज के अंदर इन्होंने अपने एक्सपेंशन को कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी पैंडेमिक के मार ने इस कंपनी को धराशायी कर दिया। जब पैंडेमिक का सिचुएशन आया दोस्तों, उस समय लोग ऑफिस जाना बंद कर दिए और घर से काम करना शुरू कर दिए। ऐसे में दोस्तों इसके पास कोई ट्रेवल या कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कंपनी में लेकर के आना और जाना पड़े। इस वजह से इस कंपनी को अपने बिजनेस को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन जब पहला थ्रेड खत्म हुआ उसके बाद से ये कंपनी फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करी। और जब ये कंपनी फिर से अपने फ्लो में आ रही थी तब तक कोरोना का दूसरा थपेड़ा इसको मार दिया और इस वक्त ये कंपनी बाहर नहीं निकल पाई और खुद को बंद कर दी। बंद नहीं करी, इसको एक ट्रैकिंग स्टार्टअप ने, यानी कि चलो ने एक्वायर कर लिया, वो भी कैश फ्लो में। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे कंपनी के बारे में और ये कंपनी है क्लियर ट्रिप। 2006 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी मेक माई ट्रिप, यात्रा, गोइबो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही थी। लेकिन इसी के साथ ओयो आया और ओयो की वजह से इस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा और नुकसान होने का और भी कारण था। लेकिन इससे क्या हुआ कि कंपटीशन होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया और तभी पैंडेमिक की मार पड़ गई। इसने कंपनी ने रिकवर करने की कोशिश भी करी थी लेकिन
उस वक्त सिचुएशन ऐसा था दोस्तों कि जब रिकवर होना शुरू हुआ उसके बाद से फिर पैंडमिक आई और इसके बाद से इस कंपनी ने दम ही तोड़ दिया और बाद में इस कंपनी को फ्लिपकार्ट ने $40 मिलियन के वैल्यूएशन पर एक्वायर कर लिया। अब बार बार आप ये वर्ड सुन रहे हैं कि एक्वायर, और भी जो तीन कंपनियां हैं वो भी एक्वायर कर ली गई हैं। एक्वायर का मतलब क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे बताइएगा, क्योंकि लोग कंपनियों को एक्वायर क्यों कर लेते हैं इसके बारे में जानकारी आपको वहां से जरूर मिल जाएगी, तो इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टार्टअप की, और ये स्टार्टअप है मिल्क बास्केट। अब आप सोच रहे होंगे यार ग्रोसरी की डिमांड तो पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थी और ये कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो भी कर रही थी, बहुत सारी कंपनियां पैंडेमिक के सिचुएशन में यूनिकॉर्न बन गई इन ग्रोसरी को डिलीवर करने के चक्कर में, तो आखिर इस कंपनी के साथ क्या हुआ जो ये कंपनी भी फेल हो गई। अगर बात करें इस कंपनी के फंडिंग की तो ये कंपनी $38 मिलियन की फंडिंग रेज करी थी और ये कंपनी का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों कि पैंडेमिक की वजह से इस कंपनी के अंदर थोड़ी सी सेल डाउन हुई थी और इसका जो शट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण था वो था इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर का इस कंपनी को छोड़ करके जाना, जहां से इनको फंडिंग मिलना बंद हो गया और फंडिंग मिलना बंद होने की वजह से इस कंपनी ने भी दम तोड़ दिया और बाद में रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब रिलायंस इस कंपनी को कितना दूर तक लेकर के जाता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब हम बात करेंगे अगले स्टार्टअप की जो हुआ फेल और ये है मास्टरी यानी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब आप बात करेंगे यार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तो बहुत तेजी से ग्रो किया है और वो भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब बच्चे घर से पढ़ना शुरू किए तो ई लर्निंग का बूम सा आ गया और ऐसे में स्टार्टअप कैसे फेल हो सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी को 2019 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई और इस कंपनी का जो मेन मकसद था वो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच के बच्चों को एजुकेशन देना था और कुछ समय के बाद से 2020 के अंदर इस कंपनी को आन एकेडमी ने खरीद लिया 100 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे। और जब दोस्तों आन एकेडमी ने इसको खरीदा तो इस कंपनी पर रिसर्च करना शुरू किया यानी मोटिवेशन और इस तरह के चीजों को लाना शुरू किया और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं रहा और फाइनली 2021 में आन एकेडमी ने इस कंपनी को शट डाउन करने का फैसला किया और यहां से कुछ एम्प्लॉयों को अपने पास रखा। अब देखते हैं कि ये कंपनी यानी कि जो मास्टरी कंपनी है ये आगे क्या करती है, क्या ये कंपनी खुद से फिर बढ़ने की कोशिश करती है या ये भी कंपनी दम तोड़ देती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पांचवें कंपनी की और ये है ड्राइव ईजी। अब ड्राइव ईजी एक बाइक शेयरिंग और राइडिंग कंपनी है यानी कि बाइक शेयरिंग और कैब शेयरिंग कंपनी है। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया था तो बाइक शेयरिंग और कैब शेयरिंग का यूज करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि उस समय लोग तो घर में पैक थे और जानवर बाहर थे तो जानवरों को गाड़ी तो घुमाएगी नहीं, तो इस वजह से इस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और जिस वजह से कंपनी भी बंद होने के कगार पे चली गई। इस कंपनी को भी $30 मिलियन की फंडिंग मिली थी और बाद में इसकी जो फंडिंग होनी थी वो $128 मिलियन के वैल्यूएशन के साथ इस कंपनी को आगे बढ़ना था, लेकिन तब तक पैंडेमिक के थपेड़े ने इस कंपनी का भी काम तमाम कर दिया। बाद में इस कंपनी को यामाहा ने $35 मिलियन में एक्वायर कर लिया। तो दोस्तों ये पांच कंपनियां ऐसी थी जो अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते रह गई और बाकी जो कंपनियां थी वो आगे बढ़ गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत। Fearless.